नदियों के बहते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि जिले में दो नदियां घाघरा और सरयू खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ का कोई भी खतरा अभी नहीं मंडरा रहा है। जगह जगह पर बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कर दिया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है तथा जहां कटान होती है वहां अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। नदियों से सटे गांव को किनारे रहने वाले लोगों को जिलाधिकारी ने सचेत किया है और कहा है कि कोई भी अगर दिक्कत आवे तो कंट्रोल रूम या स्वयं जिलाधिकारी को सूचित कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया। नदी डेंजर लेवल का पार कर चुकी है, राप्ती और घाघरा नदी, और हम लोग नियंत्रण हमेशा जो कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैसे जो यहाँ का डाउनस्ट्रीम है, जो कहाँ निचले इलाका कहते हैं उस पर, तो बिहार की तरफ से वहाँ पानी ज़्यादा भरा नहीं है, इसलिए तो हम लोग का अभी तो बाढ़ का खतरा नहीं है, पर फिर भी हम लोग अलर्ट में है जगह जगह पर। उसी के हिसाब से बाढ़ चौकी खुल गया है। मजिस्ट्रेट और वहाँ का विभाग ऑफिसर, खासतौर पर सिंचाई विभाग, और इन्हीं लोग भ्रमण पे है, कहाँ कहाँ कटान होता है उसी के सही भी कराया जा रहा है, और गांव में नाव कहाँ कहाँ लगाना, इनकेस मरून हो जाता है गांव का पानी यदि घुस जाता है, उसी की व्यवस्था कर रखा है। जनता को परेशानी होने मत देंगे, और इस बार जो भी जनता लोग नदी के किनारे हैं वो आप थोड़ा अलर्ट रहिए, कहीं से भी आपका लगता है नदी का अक्षर कहीं बढ़ रहा है, हम तो मॉनिटर तो कर ही रहे हैं, किसी का नुकसान हो रहा, कहीं कटान हो रहा, तो तुरंत हमें सूचित करा लें, हम आकर के उसको रोक देंगे।